अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारा तीसरा रोज़ा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो को एंड तक देखें और फिर हमें बताएं कि हमने पकोड़े कैसे बनाए। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं पकोड़े और आलू मटर कीमा मिक्स। तो यहाँ पर मैंने जो है उसकी सारी तैयारी करके रख दी है, सब चीज़ें मैंने काट कूट के जो है यहाँ पर सजा दी हैं। तो अभी हम लोग बनाते हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी बनाते हैं, कीमा भी बनाते हैं और पकोड़े भी बनाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जो है बाउल में मिक्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डाल दें। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें सारे मसाले वगैरह जो हैं वो ऐड कर लिए, और यहाँ पर हमारे पास बेसन है एक कटोरी, अभी हम इसमें बेसन को ऐड करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसमें जो है सारी चीज़ें वगैरह ऐड करनी है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी बेसन हमारे पास कम पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसमें और बेसन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना इसका बैटर तैयार कर लिया, और ये कुछ इस तरह से है, और अभी हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग पहले कीमा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसमें ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो हमने ये काट के रखा हुआ है प्याज। प्याज को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसमें लहसुन को ऐड कर रहे हैं, और प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। तो अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं कीमा ऐड। और यहाँ पे कीमा बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अभी इसमें ऐड कर रहे हैं आलू, और ये तो हमारे पास मटर है। कि हम लोगों ने इसमें जो है हम लोगों ने आलू और मटर जो थे वो हम लोगों ने सारे ऐड कर दिए हैं, और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको पहले इसको हम अच्छे से भूनेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखते हैं ना, फिर इसको पका के उतार देंगे। तब हम लोग साथ ही जो है ना पकौड़े भी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। तो हम लोग बनाते हैं पकौड़े और फिर फ्रूट वगैरह काटते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया है जो कि गर्म हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें जो है ना पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू जो है ना वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो फिर इसमें हमने थोड़ा सा रखना भी है ग्रेवी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कढ़ाई रख दी है और ये गर्म हो गई है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना पकौड़े डालना स्टार्ट करेंगे। तो करेंगे हम लोग ये पकौड़े डाल रहे हैं, तो फिर आपको निकाल के दिखाएंगे। और हमने बहुत मज़ेदार चटनी भी बनाई हुई है, जो मेरी तो बहुत फेवरेट है। आज हम ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रहे, मैंने चाट वगैरह नहीं बनाया साथ एक्स्ट्रा, क्योंकि आज मैंने सोचा कि पकौड़े बना लेते हैं और पकौड़े खा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना आँच बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया था। तो फिर अभी जो है ना हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं और इसको अब हल्का सा रखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना अपने पकौड़ों को उलटा रहे हैं, अभी हम पकौड़े उलटा रहे और आपको दिखाते हैं हमारे पकौड़े। ये बहुत अच्छे क्रंची क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीक बारीक काटा था। तो यहाँ पे हम अपना कीमा भी चेक कर लें, क्योंकि हमने इसमें मटर डाले हुए और आलू, इसीलिए हमने इसमें पानी ऐड किया था, वो तो हमने पहले ही लिया था इसको। तो अभी इसको जो है ना थोड़ा सा जब पानी बचेगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे, और जो है ना नमक शमक का हमको कोई आइडिया नहीं है। इसकी आँच मैंने फिर हल्की कर दी है, क्योंकि पकौड़े अगर जल्दी बन जाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे। खैर हम इसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे और फिर हम इनको निकालेंगे भी। और आप लोग बताएं आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं,
और मेरे तो बहुत ही जालिम जा रहे हैं। और मुझे लाजमी बताएं हमारे पकौड़े कैसे बने और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताएं। बस ये बोला हूँ तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने पहले पहले पकौड़े जो है वो निकाल रहे हैं। तो फिर अभी हम इसमें करेंगे दूसरी बार आएगी ताकि दोनों साइड से हल्का हल्का बने और ज्यादा ना पक जाए। और जो है ना आज फिजा की जो है तो आज मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी क्योंकि आज फिजा ने सहरी में चावल ही खा लिए थे। और मैं सहरी में चावल नहीं खाती होती, सहरी में कोशिश होती है कि रोटी खाए, लेकिन आज मैंने खा लिया चावल क्योंकि मैंने बनाई हुई थी दाल। तो वो जो आपको मैंने कल दिखाई थी तो दाल मुझे अच्छी लगती है चावलों के साथ, तो मैंने फिर जो है ना वो नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाई। तो खैर अभी मैं तौबा कर ली है तो आइंदा सहरी में चावल नहीं खाने मैंने, तो आइंदा सहरी में मैं खाऊंगी रोटी और ये लेके हमारे पकोड़े मज़ेदार से किस्म के हमारे पकोड़े यहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा कीमा जो है तो वो पक रहा है, अभी चेक करना पड़ेगा आलू खट्टा है कि पानी चाहिए वो ऐड कर लेते हैं ना डाले। ओके तो यहाँ पे अब हम लोग ये भी जो है ना अपने पकोड़े निकाल रहे हैं और जल्दी जल्दी से निकालेंगे ताकि हमारे पकोड़े जल ना जाएं। यहाँ पे साथ आग भी लग गई क्योंकि हमने इस पे रखा हुआ है कागज और ये जो है ना साथ चूल्हे के साथ लगेंगे तो फिर काले स्याह हो जाएंगे। काले स्याह पकौड़े कौन खाएगा, कितना पतला है आलू, ये एक आलू आप देखें ये कितना पतला सा है, ये तभी जल्दी बन रहे हैं, तो ये सारे इसमें आलू हैं। इस बार आप लोग सारी डाल देंगे। उनके पास ये जो है ना ये मैंने बनाई थी चटनी जो है बहुत मज़ेदार सी, तो हम आपको ना ये इसमें डाल के दिखाते हैं क्योंकि हम लोग मैंने एक ही बार बना दी थी लेकिन हम इतनी ज़्यादा तो नहीं खा सकते, तो फिर मैं इसको ऐसे ही करके लेके जाती हूँ। यहाँ पे नूर जो है ये हमारे लिए फ्रूट्स काट रही है और यहाँ पे हमारे पकोड़े और चटनी बन गई है और कीमा जो है वो हम लोगों ने बस ऑलमोस्ट हो गया था, तो लेकिन क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से हमने रोक दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने पकोड़े और फ्रूट काट लिया है और अभी जो है हम लोग बस क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है रोटियां हम लोग बाद में बनाएंगे, आटा हमारा ख़राब हो गया इसने गूंदा नहीं है तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो जब कीमा बन जाएगा फिर हम आपको कीमा भी जो है दिखाएंगे रोटियों के साथ, तब तक के लिए अब हमें भूख लगी है रोज़ा खुलने वाला है, मुझे आज भूख लगी हुई है। हाँ ये बीमार है और मुझे अल्लाह ना करे कोई रोज़ा नहीं लग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जाता है, अच्छा गया है, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हाँ भूख लगती है इंसान है, आज लग गई है तो लग गई है मुझे भूख। खैर अभी हम लोग बस आज हमने पकौड़े बनाए क्योंकि मेरा दिल पकौड़े खाने को था, तो फिर अभी हम लोग जो है ना आपको बाद में मिलते हैं जब हम लोग खाना खाएंगे। मेरा बीपी बीपी आई है और नूर रोटियाँ पका रही है और यहाँ पे हमारा सालन अब हम दोबारा से इसको जो है ना वो करेंगे अच्छे से फ्राई करके देर सारा खाना खाएंगे क्योंकि नूर का बीपी है ये। मैं भी डॉक्टर के पास से हो और आप ये रोटियाँ पका रही है डॉक्टर के पास से हो क्या कि मैंने इस पर जुल्म किया
और अभी ये रोटियां पका रही है और ये रोटी पे गई है। थेपला, दिस इज थेपला, आप यहाँ से देख सकते हैं, मोटी यहाँ से छोटी। खाओगी नहीं खाओगी, यहाँ पे हम लोग रोटी उल्टाएं, लेकिन किस साइड से उल्टाएं, मेरे को तो डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये रोटी उलट गई नूर। रोटी नहीं है ये, थेपला है। ओह मां, ए देखो, अरे ला जला दिए, जल गई रोटी। मूर इतनी मोटी रोटी मेरे लिए ना पकाई, मेरे लिए आटा थोड़ा सा निकाल, मैं खुद करूंगी। ये क्या तू पका रही है? ये बेल ही नहीं जा रहा मुझसे आटा। वो भी तो बनाती है ना यार। ये कसम से ये पढ़ के श्रिंक हो जाता है सारा, क्या करे बंदा ऐसा। देख कितनी काली बनी है, जली ही बनी है। बोलो ये क्या है? इसमें गरम वाला डालो ना। ना ना ना, ये नहीं हो रहा। हाँ तो खुद तुम्हारा बीपी लो होता है तो 10 बार बीपी चेक करवाती हूँ। मेरा हाई है, मैं शौक से ऐसी मजाक में चेक करवाती हूँ, मुझे मजा आता है। मेरा तो हमेशा ही लो होता है, नहीं मेरा खतरनाक है, खतरनाक। आई कैन डाई एनीवे। ओहो पहली जली नहीं है, ये अल्लाह से काली कोली कौन खासी। तेज करूं ना? तेज करूं क्यों, तेज करूं जलेगा सालन, बस हो जो गया है। मैं तो मेरे खाने जगाना था। इतनी कंसर्टी की रोटी में थोड़ा बहुत उतरता। ये देखें नूर के ससुराल का नक्शा, नूर का ससुराल इस नक्शे के मुताबिक है। ये जो घर जिसके घर रोटियां बनेंगी ना, ये जिसके हावन ना, जो अपने हावन को ऐसी रोटियां बना के देगा, उसको जो है ना थप्पड़ पड़ेंगे।
थप्पड़ उसको घर से निकाल दिया जाएगा। इतना निकाल दिया वैसे हमको कोई मार सकता है? हाँ, तुझे खास करके कोई मार जानते है ना सारे। वही ना, तुझे खास करके कोई मार सकता है? इतनी अच्छी नहीं हुई। हाँ ये देखें, ये हमारी कुछ जली जली हुई रोटियां तैयार हो गई हैं। ये देखें हमारी कोई जली जली हुई रोटियां तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे हम लोगों का सालन भी रेडी है। ये देखें हमारा आलू मटर कीमा। और ये हमारे पास नूर के पास भिंडी है, ये खा रही है। ये हम अभी यहाँ पे व्लॉग का एंड करेंगे, खाना डाल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे अब हम लोगों की रोटी और सालन तैयार हो गया। और ये नूरबाजी मेरी शक्ल ऐसे देख रही है कि मुझे जल्दी से खाना दे दो। तो अभी हम लोग खाते हैं खाना और इस व्लॉग का हम यहीं पे करते हैं एंड। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नूर अब आप बता दो प्लीज़ कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को पहले तो एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो और आगे मजीद शेयर करें। और फिर आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और एक बार हमारा कीमा देख जाए, मज़ेदार सा कीमा और जली हुई रोटियाँ। अल्लाह हाफिज़।